टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे से एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक महिला अधिकारी पर एक अवैध सब्जी बेचने वाले ने हमला कर दिया। हमले में महिला अधिकारी कल्पिता पिंपले के हाथ की दो उंगलियां कट गई हैं और वहीं उनका जो सुरक्षा गार्ड था उसके भी हाथ की एक उंगली कट गई है। ये पूरा मामला ठाणे के कासर वडौली में अतिक्रमण हटवाने के दौरान हुआ है। हमलावर जो अवैध सब्जी विक्रेता है उसका नाम अमरजीत यादव बताया जा रहा है। आनन फानन में ठाणे के जुपिटर अस्पताल में महिला अधिकारी और सुरक्षा गार्ड को भी बताया जा रहा है कि भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर उंगली जोड़ने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा, ऐसी जानकारी दे रहे हैं। ये घटना कल शाम के वक्त में हुई थी। आरोपी अमरजीत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उसके अब पुराने आपराधिक इतिहास को भी खंगालने में जुटी हुई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।